तो आप हमें, आप अपनी एक एक गाय हमें दिखाए कि सबसे पहले इस गाय के बारे में बात करते हैं। ये पीडीएफ के मैसी सीमन की है। किस सीमन की है? मैसी। मैसी सीमन की? हाँ जी सर। कितनी कैपेसिटी है इसकी दूध की? अभी घर पर ये 50 लीटर पर चलती थी। 50 लीटर दूध देती है। हेलो जी। हेलो, सत श्री अकाल जी। जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम करमजीत है जी। करमजीत? हाँ जी जी। यहाँ पीडीएफ में आप कितनी गाय लेके आए हो? 9 एनिमल लेकर आए हैं। 9 एनिमल आप लेके आए हो? हाँ जी। जी कौन कौन से हैं? जर्सी, एचएफ? जर्सी, बाकी एचएफ है, बच्ची है ब्रीड में और बड़ी गाय है ब्रीड में। गाय है? हाँ जी। तो आपने कोई पार्टिसिपेट किया है अभी तक यहाँ? जर्सी में किया है। जर्सी में किया है? हाँ जी। कोई पोजीशन हासिल की है? हाँ जी, 8वें नंबर पर आए। 8वें नंबर पर? जी बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, आपको बधाइयाँ। ठीक है जी, ओके जी। जी तो आप घर पे भी डेयरी फार्मिंग करते हो? हाँ जी सर। तो कितनी एनिमल है आपके पास? 50 एनिमल है। 50 एनिमल है? हाँ जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो मिल्किंग में जो गाय है वो कितनी है? मिल्किंग में नहीं पाया जी, मिल्किंग ब्रीड में है। मिल्किंग ब्रीड में? हाँ जी जी। और आपके घर पे जो गाय है वो कितने दूध दे रही है अभी? हमारे पास 55-60 लीटर तक है दूध वाली। कितने? 55-60 लीटर दूध वाली है। अच्छा, 55-60 लीटर तक की दूध वाली गाय है। हाँ जी सर। जी बहुत अच्छा। तो टोटल एनिमल आपके पास कितने बताए? 50 एनिमल है। हाँ जी। उसमें से मिल्किंग में कितने हैं? मिल्किंग में अभी बाकी ड्राई है, 12 एनिमल चल रहे हैं। 12 एनिमल मिल्किंग में चल रहे हैं जी। तो जी खाने में क्या देते हैं आप इन्हें? जिसे ते और भीड़ अपनी फीड बना कर देते हैं। फीड कैसे बनाते हैं? अपनी बनाते हैं जी। कैसे बनाते हैं उसको? क्या क्या मिलाते हैं उसमें? उसमें 40-45% खलें होती हैं और 40% अनाज बाकी और सामान होता है जी। तो उसमें दाना, अनाज कौन कौन सा मिलाते हो? अनाज मक्का मिलाते हैं। मक्का मिलाते हैं? कितने परसेंट? 40%। 40%। बाकी दूसरा अनाज और खड़े मिलाते हो? अनाज नहीं और पाते, बस 40% ही अनाज पाते। अच्छा। हाँ जी। तो आपके दिन भर का प्रतिदिन कितना दूध होता है दिन भर का? हमारे फार्म पर, फार्म पर कितना? हमारे फार्म पर, हाँ हमारे फार्म पर अभी 500 लीटर दूध चल रहा है। 500 लीटर दूध चल रहा है? और किस रेट में जाता है वो? हमारे 37 रुपए लीटर जाता है। हाँ जी। तो फायदा हो जाता है आपको? हाँ जी हो जाता है। अच्छा, तो आप ब्रीडिंग भी करते हो फार्म पे? हाँ जी सर करते हो। हाँ जी। तो कौन सा सीमन आप इस्तेमाल करते हो? सारा पीडीएफ का सीमन लगाते हैं। सारा का सारा पीडीएफ का? हाँ जी। वर्ल्ड वाइड का जिसे हम बोल सकते हैं? नहीं, वो सीआरआई का है, था जो पीडीएफ का था, टाई अप था। अच्छा अच्छा, उसका सीमन लगाते थे। अच्छा रिजल्ट मिला आपको? हाँ जी अच्छा रिजल्ट मिला। अच्छा रिजल्ट मिला। तो अगर कोई नया बंदा डेयरी फार्मिंग करना चाहता है तो ये बिजनेस कैसा रहेगा उसके लिए? जो ब्रीड पर काम करेगा बहुत अच्छा बिजनेस है जी। अच्छा। हाँ जी। तो कोई कर सकता है, कोई परेशानी नहीं है? नहीं जी, कोई परेशानी नहीं जी। बहुत अच्छा। और तो अगर कोई बंदा डेयरी शुरू करता है? हाँ जी। तो कितने के एनिमल से उसको शुरू करनी चाहिए? उनको कम से कम 5-10 डंकर से शुरू करना चाहिए। पहले उसका बारे में पता लग जाता है, कैसे रहन सहन है उसका। जी जी। फिर हौली हौली जितना काम बताना बता, अपनी ब्रीडिंग करके जितना मर्जी काम बता सकता है जी। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई नया है, बिल्कुल नहीं किया, तो बिल्कुल 2 एनिमल से शुरू करे। हाँ जी सर, ताकि उसको अनुभव भी हो जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी बिल्कुल। तो आप इसको साइलेज खिलाते हैं, अच्छा काम चलता है आपका? हाँ जी हाँ जी सर। जरूरी है जी इन गायों के लिए साइलेज? साइलेज मतलब कि एचएफ के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे उधर क्या है, लोग साइलेज नहीं बनाते हैं। सर जे बीसीएस मतलब की गाय भीख होगा फिर दूध नहीं निकालेगा। दूध नहीं निकाल सकती। हाँ, जो साइलेज से ना गाय का मतलब की शरीर मेंटेन रहता है। जी जी, उनका मेन खाना जो है वो साइलेज ही है। साइलेज और तूड़ी जी। अच्छा, तो जी आपके इधर जो आप गाय रख रहे हो एचएफ, इसमें कोई तापमान मैनेजमेंट में भी समस्या आती है आपको? हमारे यहाँ तो शेड बना ले हो वैसे ही लोगों ने। अच्छा। हाँ जी। तो टेम्परेचर का कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, आती तो है पर बहुत कम आती है। बहुत कम आती है? हाँ जी। तो उससे दूध पे भी कोई फर्क पड़ता है? हाँ जी पड़ता है जी। पड़ता है? हाँ जी। फिर उसका क्या निवारण करते हो आप? हमारे फोगर लगे हैं फार्म में जी, पखे लगाए हैं बड़े। जी जी। हाँ जी। तो और मतलब की शेड बहुत ऊंचे बनाए हैं हमने। ऊंचे शेड बनाए आपने? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो आप जो काप तैयार करते हो? हाँ जी सर। नया काप? हाँ जी। उसको क्या खिलाते हो आप? पहले तो दूध और फीड चलती है। कितने दिन दूध पिलाते हो? दूध 3 महीने पे आते हैं। 3 महीने उसको दूध पिलाते हो? हाँ जी सर। फिर उसके बाद? फिर उसको नाल खुराक शुरू कर देते हैं, नाल खुराक पर लगा देते हैं। अच्छा। मतलब कि 6 महीने खुराक और तूड़ी डालते हैं, फिर मतलब साइलेज डालने लगते हैं। हाँ जी। बहुत अच्छा। तो आप हमें आप अपनी एक एक गाय हमें दिखाएं कि सबसे पहले इस गाय के बारे में बात करते हैं। ये पीडीएफ के मैसी सीमन की है। किस सीमन की है? मैसी। मैसी सीमन की? हाँ जी सर। कितनी कैपेसिटी है इसकी दूध की? अभी घर पर ये 50 लीटर पर चलती थी। 50 लीटर दूध देती है? हाँ जी। तो इसने कोई पार्टिसिपेट किया अब तक? अभी करना है, आज है इसका शो। आज इसका शो है तो ये पार्टिसिपेट करेगी। 50 लीटर की इसकी कैपेसिटी है।
जी बहुत अच्छा, तो इसको आप कितना दाना देते हो? ये 15 किलो दाना खाती है दिहाड़ी का। 15 किलो दाना खाती है? हाँ जी। तब जाके 50 लीटर दूध दे पाती है? हाँ जी। तो मिल्किंग कितने टाइम करते हो आप? मिल्किंग हम घर में तो दो टाइम ही करते हैं। दो ही टाइम करते हैं? किसी आड़ों में जब पूरे पीक पर होती है तो तीन टाइम भी शुरू कर देते हैं। तीन टाइम भी शुरू कर देते हो जब पूरे पीक पर होती है? हाँ जी। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो ये जो दूसरे नंबर की जो गाय है इसके बारे में बताएं। ये प्लेट सेक्सीबल की है, 37 लीटर की। सेक्सीबल की है प्लेट की। अच्छा, दूध कितना देती है? ये दूध 40 पर चलती है। 40 किलो से दूध देती है। अड्डर की क्वालिटी आप देखें, बहुत ही शानदार अड्डर की क्वालिटी है। हाइट जो है गायों की, बहुत ही ज्यादा हाइट इन गायों की देखने को मिलती है। तो इसको कितना दाना देते हो? सभी फिर एक ही पैन में है जी, सारी मतलब की 14-15 किलो दाना सभी को देते हो? सभी को देते हो। पर इसको ये कितना दूध देती है? ये भाई अभी नई सुई है, जनी है अभी। कितने ब्यांत की है ये? दूसरे ब्यांत में है ये दोनों। ये भी दूसरे में है, दूसरे में। हाँ जी। ये कितना दूध देती है? ये अभी 40 लीटर पर है। 40 लीटर दूध दे रही है। ये प्लस करेगी अभी सुई को कम दिन हुए हैं। अच्छा अच्छा, 50 लीटर ये दूध देगी। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो आप जो ये गाय रख रहे हो, क्या लगता है आपको फायदा है डेयरी फार्मिंग में? सर फायदा है। अच्छा, तो अगर कोई नया बंदा शुरू करना चाहते हैं तो कर सकता है? हाँ जी, कर सकता है। तो उनको पशु अगर वो खरीदता है, हाँ जी, उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब मेरे हिसाब से ब्रीड पर काम करना चाहिए। ब्रीड पर काम करना, अच्छी ब्रीड लेनी चाहिए। जी जी। हाँ जी। और बस से बात मतलब कि आप मेहनत करें, किसी के ऊपर ना छोड़े, किसी के ऊपर ना छोड़े, आप खुद मेहनत करें तब जाके आपको फायदा होगा। हाँ जी, फायदा होगा जी। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली होगी और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो आगे भी हम आपके लिए और वीडियो लाते रहेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका टाइम देने के लिए। धन्यवाद, सत श्री अकाल जी।